हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे। तो पूछ पूछ के आज हम लेंगे कार्ड्स। जो भी मैं पूछूंगी उसका जो जवाब आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। सो देखते हैं, अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, उनके बारे में सोचिए। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, किस एनर्जी में हैं कलेक्टिवली आज के दिन आपके पर्सन। स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप में से ज़्यादातर लोगों के पर्सन आज जूझ रहे हैं किसी सिचुएशन से, लेकिन पावरफुल तरीके से, ठीक है। बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे तलवार लेकर बैठे हैं, मींस रेडी टू फाइट। और यहाँ पर वी हैव एनर्जी ऑफ अ लॉयन, मींस कि ये डरेंगे तो नहीं किसी से, स्टैंड लेंगे, सिचुएशन इनके बस में रहेगी, लेकिन फिर भी एनर्जी थोड़ी सी फायरी है। क्यों सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, कौन है जो इनको ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है इनके लाइफ में। ओके, देखिए फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, झगड़ा हो रहा है जैसे किसी के साथ। आज सुबह भी देखिए मॉर्निंग की एनर्जी में टेन ऑफ वॉन्ड्स आया था और यहाँ से भी आया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, सफरिंग की एनर्जी है। ये बहुत बचने की कोशिश कर रहे हैं, इन सिचुएशन से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको ये सब ना झेलना पड़े। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा किसी को अपने बस में रखना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं, कि लाइक अ पपेट, कि जैसा हम कहें तुम वैसा ही करो, जैसा हम कहें तुम वैसे ही डिसीजंस लो, हम जहाँ कहेंगे वहाँ वैसा ही होगा। तो कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को मान लेते हैं, कुछ लोग हैं जो इसको रिबल करते हैं कि नहीं ऐसे कैसे होगा, मेरी ज़िंदगी है, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगा या वही करूँगी। तो आपके पर्सन बहुत टाइम से जैसे किसी के ऑर्डर्स को मान रहे थे या मान रही थी, लेकिन अब इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि इट्स अ लिमिट, अब बस हो गया, अब मुझे वही करना है जो मुझे सही लगेगा, इस तरह की एनर्जी है। आपके पर्सन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं आज के दिन में। होपफुल हैं कि ये जो भी प्लान करेंगे उन चीज़ों पर वर्कआउट कर पाएंगे, मतलब हर कुछ इनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो, ऐसा इनके मन में है विचार। स्ट्रेंथ की नीड क्यों है, ऐसा क्या डिसीजन होने वाला है जिसमें इनको स्ट्रेंथ की नीड है। स्ट्रेंथ की नीड है फॉर कमिटमेंट, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर मैरिज। वी हैव द हाई प्रीस्टेस विद हैरोफेंट, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, एज गैप है, या आपका किसी तरीके का पास्ट है या उनका किसी तरीके का पास्ट है, कोई ना कोई है जो इनको मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त स्वॉर्ड हाथ में लिए हुए हैं और ट्रांजिशन चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, तो ये चेंज लेकर ही आएंगे। इसके लिए ताकत की ज़रूरत है, फॉर दिस ट्रांजिशन, दिस चेंज, ही और शी रिक्वायर्स सम स्ट्रेंथ। यहाँ सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। क्या ये एक्शन आपकी तरफ होगा, क्या पॉजिटिव एक्शन ले पाएंगे आपके लिए। एक कार्ड और आया है शायद, नाइन ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक सॉलिड ग्राउंडेड एक्शन यहाँ पर हो सकता है, आपको मैसेजेस भी आ सकते हैं। डेविल एनर्जी है इस वक्त, ये देखिए ट्रॉमा से गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक सिचुएशंस है आज के दिन आपके पर्सन की लाइफ में। इनके कार्मिक्स की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, तो आज का दिन इनके लाइफ का थोड़ा मुश्किल दिन हो सकता है, कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहा है सिचुएशन।
तो ये मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आज के दिन थोड़ा अवेयर रहें, और अगर नो कांटेक्ट में हैं तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द आपको कुछ कंक्लूजन्स मिलेंगे, हाँ या ना जो भी है वो आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्द। देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको लेकर क्या फीलिंग्स रखते हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या सोच रही हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एनर्जी ओरेकल से देखेंगे। विल टेक फाइव कार्ड्स, पांच कार्ड एंजल्स, स्ट्रेटजी नंबर 21, हैप्पी फैमिली। देखिए स्ट्रेटजी फॉर हैप्पी फैमिली, यहाँ शादी को लेकर ही स्ट्रेटजी बन रही है। वॉकिंग अवे, द गार्डन एंड द गेट, एंजल ऑफ बैलेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक इज अप्रिशिएशन विद ओवरऑल एनर्जी ऑफ डोर टू रोमांस। तो देखिए यहाँ पर जो इनकी फीलिंग्स हैं, दो तरह की फीलिंग्स हैं। कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत बैलेंस रखा है, आपने इन पर विश्वास अडिग रखा है, विश्वास टूटने नहीं दिया है, और इनको ऐसा लगता है कि आपके इस विश्वास को ये भी नहीं तोड़ने देना चाहते। ये हमेशा वापस आए हैं आपकी लाइफ में, हमेशा ये अगर छोड़कर गए भी हैं तो ये इसी वजह से वापस आए हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि इनका मन नहीं लगता आपके बिना। ये हमेशा जाते हैं लेकिन पीछे मुड़कर आपको देखते रहते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है। ये आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि ये जब भी आपको छोड़कर गए हैं, कभी भी आपने इनको नहीं छोड़ा है, आपने हमेशा इनका हाथ थामे रखा है, इनका वेट किया है, सब्र रखा है बैलेंस के साथ। और यहाँ पर इसी वजह से, यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से ये आपसे शादी करने के लिए रेडी हैं, चाहे ये लड़का है या लड़की है। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा ही होता है एक ट्रू लव, जो कभी भी हाथ छुड़ाकर दूर ना जाए, जो हाथ छुड़ाकर भाग जाए वो कैसा प्यार। तो यहाँ पर इनको इस बात के लिए बहुत प्राउड होता है कि इन्होंने ऐसे व्यक्ति का हाथ थामा है जिसको ये छोड़कर अगर दूर भी गए हैं किसी मजबूरी के चलते या किसी भी वजह से, तो यहाँ पर इन्होंने अप्रिशिएट करा है कि आपने इनका साथ नहीं छोड़ा, आपने हमेशा इनकी गलतियों को माफ़ किया है, इनको फोगिव किया है, हमेशा आपने इनका वेट किया है पेशेंस के साथ। सो ये इनकी फीलिंग्स हैं फ़िलहाल आपको लेकर, और यही रीज़न है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं, यही रीज़न है, एग्जैक्टली यही कारण है कि ये अब एक्शन लेना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है, क्लेम करें, भगवान करें आप लोगों के साथ बहुत जल्दी ये एनर्जी रेजोनेट करे। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन, क्या हो सकता है इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है। वन मोर कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो गाइज यहाँ पर इमीडिएट एक्शन में जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो ये हैं कि आपके पर्सन और आपके लिए आने वाला 40 घंटा 40 आवर्स किस तरीके की एनर्जी और वाइब्रेशन को कैरी करेगा। सबसे पहले एनर्जी हैवी है, आपके पर्सन कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे इन 40 घंटों के अंदर, और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे तो ये हर मायने से आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। साथ ही साथ आपके पर्सन की एनर्जी में ज़्यादातर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन यूनियन से रिलेटेड ही डिसीजन लेने वाले हैं, बिकॉज हारमोनी के साथ जजमेंट आया है। सो वी हैव नंबर 96, वी हैव नंबर 22, वी हैव नंबर 144। तो यहाँ तीन एंजल नंबर्स क्लियरली दिख रहे हैं मुझे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वी हैव 9911, ठीक है, सो 212 या 1212, बहुत सारे लोगों को दिख सकता है। यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं वो डर भी रहे हैं इस एक्शन को लेने के पहले, इनसिक्योर भी हो रहे हैं कि ये सही डिसीजन ले तो रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बट इनको ये भी पता है कि आप पर इनको पूरा भरोसा है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके बलबूते पर ही ये डिसीजन लेने वाले हैं। अभी भी कुछ लोगों के पर्सन अकेले में रहना चाह रहे हैं ताकि ये राइट डिसीजन ले सकें।
हारमोनी को पहले क्लैरिफाई करते हैं। हारमोनी के लिए यहाँ पर आया है सॉलिट्यूड, डिसरप्शन एंड विजडम। डेफिनेटली यहाँ पर देखो, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन इस सोच में हैं कि लव मैरिज करते हैं तो फैमिली या किसी अदर सिचुएशंस के साथ ब्रेकअप की एनर्जी है, और अगर ये अरेंज मैरिज करते हैं तो आपके साथ यहाँ शादी टूट सक अरे आपका प्यार जो है, मोहब्बत जो है वो टूट सकती है, ब्रेकअप हो सकता है। तो ये हर्मिट की एनर्जी है, ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि ये क्या करें। ये चाहते हैं कि लव कम अरेंज्ड हो, मतलब फैमिली के साथ आप इन्वॉल्व हों, ये आपको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी लाइफ में लेकर आ पाएँ। लेकिन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, सपोज़ कि फैमिली ने सीधा मना कर दिया, तब ये क्या करें? ये फैमिली का सपोर्ट करें कि आपका सपोर्ट करें? तो ये सब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये सब सोच सोच कर प्लान कर रहे हैं। किसका सपोर्ट करेंगे? टावर क्यों आया है? ये कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, एंड वी हैव गॉट फर्टिलिटी। ये थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस करेंगे। मदर गाया की वाइब्रेशन है, या बहुत सारे लोगों की लाइफ में बड़े चेंजेस आने वाले हैं। तो आने वाला 40 घंटा आपकी लाइफ में क्या रेजोनेट कर रहा है, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है या बहुत नेगेटिव शिफ्ट आ रहा है, ये आपको नोटिस करना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आने वाले 40 आवर्स में क्या शिफ्ट आपके साथ हो रहे हैं, उससे आप जज कर पाएंगे कि चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव जा रही हैं या नेगेटिव जा रही हैं। मदर गाया का मैसेज क्या है? आप में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, मतलब चैरियट की एनर्जी है, जो डिसीजन होगा वो आपके फेवर में होगा। ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। ओके, वेट का कार्ड है, तो पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, बेसब्र मत होइएगा बिल्कुल। लिसन टू योर इंट्यूशन। अपॉर्चुनिटी, काफ़ी लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के किसी बात पर बहस मत कीजिएगा, और जिस भी पर्सन के साथ आप हैं उनके बारे में पूरी जानकारी रखिएगा। हील योरसेल्फ, अगर आपके अंदर अभी भी कोई ब्लॉकेजेस हैं तो रिकवर योरसेल्फ। और अगर आपके साथ नेगेटिव चीज़ें रेजोनेट होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पर्सन ने डिसाइड करा कि आपके साथ नहीं रहना है, फैमिली को सिलेक्ट करना है, ऐसी सिचुएशन में आप गिड़गिड़ा तो नहीं सकते कि नहीं नहीं मेरे साथ ही रहो, आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में रिकवर योरसेल्फ, हील योरसेल्फ, अपने आप को मजबूत बनाइए, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है वो आपको गाइड कर रही है, क्योंकि सबके साथ मैं तो चाहती हूँ कि पॉजिटिव हो, बट हो सकता है कुछ परसेंटेज के साथ नेगेटिव चीज़ें हो, क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन है। तो आपका पर्सन अगर 1% भी थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करता है, आपको छोड़ने का डिसीजन लेता है, तो आपको ऐसे सिचुएशन में ये बात जज करनी है अपनी इंट्यूशन से कि आप राइट पर्सन के साथ थे भी या नहीं, क्योंकि जो प्यार करेगा वो कभी छोड़ेगा नहीं, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में आपको हील करना है खुद को, अपने आप को। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। एनर्जी हैवी है तो बी अवेयर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।